रेखा पानी जी सर, तुम्हें मालूम होना चाहिए बड़े साहब का आने का समय हो चुका है जी, और वो इंक्वायरी के लिए यहाँ किसी समय आ सकते हैं। क्यों नहीं? अपनी अपनी ड्यूटी पर चला रखो, किसी चीज की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अजय सिंह कहिए सर, ये बताओ कि इस थाने का माहौल कैसा चल रहा है? सर यहाँ का माहौल तो बहुत ही अच्छा चल रहा है। चलिए यहाँ का माहौल सब ठीक ठाक है, क्यों नहीं सर? किसी प्रकार का कहीं पर बवाल? कोई बवाल नहीं सर, ऐसा भी होना चाहिए क्योंकि तुम अच्छी तरीके जानते हो कि इस समय शासन बहुत सख्त चल रहा है। अगर जरा भी लापरवाही की तो हम लोगों की नौकरी खतरे में पड़ सकती है। क्यों नहीं सर? लेकिन ये बताओ इस थाने में केवल तीन लोग, चौकीदार, मिस रेखा कुमारी और आप, बाकी के सिपाही कहां पर है? सर आपका फोन दो मिनट लटाया, बाकी के सिपाही हल्के में गए हुए हैं। क्या बाकी के सिपाही सब हल्के पे जा चुके हैं? यार सर ये तो बहुत अच्छी बात है कि अपनी ड्यूटी को अपने समय से समझते हैं, और ऐसा भी होना चाहिए। क्यों नहीं सर? देखिए चौकीदार भी मौजूद, मिस रेखा भी यहाँ पर मौजूद, और आप भी यहाँ पर मौजूद। क्यों नहीं सर? लेकिन ये बताओ इस थाने का हवलदार तो कहीं नजर नहीं आता है। सर आप हवलदार की बात करते हैं, जो कभी समय पर ड्यूटी करने आता ही नहीं, कभी एक बजे कभी दो बजे आ जाता है। यानी हवलदार कभी ड्यूटी पर समय से नहीं आता है? नहीं, कितने समय आता है? एक दो के बीच में आ जाता है। लेकिन अजय सिंह कहिए सर, आप तो इस थाने के एक सीनियर हो, और सीनियर के हैसियत से उसे समझा सकते हो कि यहाँ पर ड्यूटी कितने समय शुरू होती है, कितने समय खत्म होती है? सर मैंने उसे कई बार समझाया, लेकिन वो नालायक हम लोगों की बात पर गौर ही नहीं करता। यानी आप लोगों पर, तुम्हारी बातों पर वो ध्यान नहीं देता है, और अपनी मनमानी करता है। सर उसका कोई निर्धारित समय नहीं। जी नहीं, ठीक है आज उसे जाने दो, और उसे आज हम अच्छी तरह से समझाएंगे कि यहाँ पर ड्यूटी कितने समय शुरू होती है, कितने समय खत्म होती है। आइए तब तक उसका इंतजार करते हैं। हाँ भाई अब सवेरे के एक बजे वाला है, आप चलते हैं थाली की तरफ। नए साहब बहुत गुस्साने हुए हैं, अब चलते हैं। अगर कोई मुर्गा मिलता है साले को तेल लगा के अंदर करते हैं, लेकिन शाम को दारी और मुर्गे की व्यवस्था हो जाए। अरे गाऊ ना सूरत रहले हम गौना नहीं जा बहु परदेसी छैया, हो परदेसी छैया कि गौना सुनत रहले हम गौना नहीं जा बहु परदेसी छैया। ससुरे मपियवा है नदान हो परदेसी छैया, परदेसी सैया हो परदेसी सैया, ससुर मपियवा टेंशन के बच्चे पहले नीचे देख, पांच को अब देखो एक उठाता दूसरा गिर जाता। अबे इसके बाद पांच
इसी प्रकार से थाने में आ जाता है। जी सर। नाचते गाते हुए अपने कपड़ों को न ध्यान देते हुए थाने चला आता है। साहब कौन गलती हुई है साहब? इसी प्रकार से आ जाता है साहब। आयुत रहे साहब। अब भाई योग गाना पैकेट में साहब बाजत रहे। क्या पैकेट? हाँ साहब। ये पैकेट क्या चीज होती है? वो साहब का जो पेट पिरात्मा लागत है। पैकेट पेट पिरा? हाँ साहब। अबे कहीं कैसी कितबाल नहीं कर रहा? हाँ साहब। अबे उसे टाइप रिकॉर्डर बोलते हैं? हाँ साहब। वह काहे लागत है? कानिस तो बजे लागत है। उसे टाइप रिकॉर्डर बोलते हैं साहब। मैंने गाना सुना, गाना मुझे अच्छा लगा, गाने की रियाज बनाते हुए चले थाने की तरफ। यानी वो गाना वहाँ पर सुना और गाने की रियाज बनाता थाने चलाया और कपड़ों को भी ध्यान दिया। ये साले फटी पुरानी पहनकर कहाँ से आ गए? काहे साहब, इनमें कौन दिक्कत है? अरे यही वर्दी पहनकर थाने में आ जाता है। तो साहब यहाँ तो पहन गए थे अभी 3 दिन पहले। आपको तुझे नई वाली वर्दी जो मिली थी वो क्या किया? ओ साहब, वो नई वाली वर्दी धरे हैं ससुराल पहन के जा गए। वहाँ पर क्या करेगा? वहाँ साहब जा गए तो साली सरहदे देखी है, कहे देखो फलनिया दुल्हा नई नई वर्दी पहन के आ है। ये वर्दी रिश्तेदारी में साली सरहदों को दिखाने के लिए होती है? इज्जत है। अरे थाने में जानते किस लिए होती है साहब? थाने रोड का काम है साहब। यहाँ चल जाता है ये चल रही, यहाँ फटी पुरानी चल जाता है, वहाँ पर दिखाएगा साली सरहदों को। अगर कल से तूने ये वर्दी बदल कर नहीं आया और दोबारा ये वर्दी मुझे दिखाई दी तो किसी रास्ते में साले घास छीलते नजर आओगे। हाँ हेलो, एक जरूरी सूचना है भैया। जिन भाई साहब की गाड़ी अगर रोड पे लगी हुई है तो भैया अपने अपनी गाड़ी नीचे उतार लाइए। ये बहुत बड़ा मालिक से हाथ की निवेदन है क्योंकि अरे जिसकी गाड़ी होगी आप खबर बता दिया ना, उनकी समझ में आ गया होगा। अपनी गाड़ी लेकर के खुद इधर सामने लगा देंगे। अरे तू ही चला जा, लगा दे वहाँ पर। हम गाड़ी चलाने नहीं पे साहब, पैदल आता है। लेकिन इस समय आज तू कहाँ से रहा? साहब जहाँ आपने भेजा था। कहाँ को भेजा था? यहाँ से हम आ रहे हैं। अरे कहाँ को भेजा था, कहाँ से आ रहा है, कुछ नाम पता है उसका? साहब जहाँ आपने भेजा था। मैं तो ये जानता हूँ लेकिन कहीं से नाम तो उसका होगा क्योंकि मैं वहाँ से आ रहा हूँ। इस समय हम साहब थाना लड़ाई से आ रहे हैं। ये कहाँ पर है? कहाँ पे पड़ता है? तेरी समझ में नहीं आएगा। अब मैं तुझे अच्छी तरीके से वहाँ ऑफिस में समझाऊंगा तब समझ जाए। अरे फैजाबाद के पहले रौना ही पड़ता है। बदतमीज कहीं का साहब, कैसे मिला? बस साहब चले आए थाना नूनी कटरा। ये कहाँ पे पड़ता है साहब? हैदरगढ़ के पीछे कहाँ पर साहब? हैदरगढ़ के पीछे नहीं, हैदरगढ़ के बगल पड़ता है लोनी कटरा। हाँ कटरा, यानी वहाँ से आ रहा है। हाँ साहब। वहाँ का माहौल कैसा था? हुआ साहब गढ़, हुआ कौनो कैसे नहीं मिला, बस साहब चले आए अपने हल्के की तरफ। हल्के में क्या देखा साहब? हल्का नंबर 4 जहाँ रहते हैं चोर। हल्का नंबर 4 जहाँ रहते हैं सब चोर? यानी उस इलाके में सब चोर रहते हैं? लाड़े पुरवा साहब, लाड़े पुरवा, नारे का पुरवा। हाँ साहब। हुआ साहब कहाँ देखा साहब? और उस इलाके में एक बहुत ही खतरनाक बदमाश रहता है। अरे साहब पूछो ना साहब। हुआ तुमसे पता है साहब कि 12 बजे दिन में अढ़ेरी बैठ 4 जुआरी दुआ खेलते हैं साहब। गैस सिलेंडर जलाए, गैस सिलेंडर का 12 बजे दिन में उस अर्री में जुआ खेल रहे थे। हाँ साहब। हवलदार ये बता, तू पागल हो गया कि मुझे पागल बनाना चाहता है? तुमका बने तरह पागल बन में नहीं भाई। साहब बात यह है कि कोहरा बहुत गिर रहा है और पत्ता देखने पड़ रहा है,
इसे गैस सिलेंडर चला रहे थे, यानी पत्तियां दिखाई नहीं दे रही थी इसलिए गैस सिलेंडर का इस्तेमाल कर रहे थे। हाँ साहब। अबे तो ऐसे बोल साहब, गैस जैसे चले घुमाते साहब, गैस चारों नाका घेर लिया साहब। क्या उनका चारों नाका घेर लिया? हाँ साहब। फिर क्या हुआ? गैस साहब चार चार मास मारा साहब, उमा के दूठे भाग गए थे बच्चा साहब, यानी मारना शुरू कर दिया, एक को पकड़ लिया। हाँ साहब, एक का पकड़े साहब, और लेके थोड़ी दूर पाए क्या कहला, हवलदार साहब तुम्हारे हाथ जोड़ी हमका छोड़ दियो, ठंडी बहुत जोर लागत है, अपने घर से कंबल ले तो चली। क्या कही था? अपने घर से कंबल ले तो चली। लेकिन तुमने क्या किया? हम कहा चूतिया पठे न लाए के गधे, तुमका पागल बना रहे हो, तुमका साले छोड़ दे, तुम चले जाओ, लौट कहीं भी ना करो। बस साहब हमारा दिमाग काम किया साहब। कौन सा दिमाग काम किया? दिमाग हमारा कंप्यूटर तरह चला, हमका साला यू चला, ये लौट गई ना। तो हम कहा साले ऐसा करो कि तुम ही खड़े रहे, हम तुम्हारे घर खुद जाते हैं कंबल लेने के लिए। यानी तुमने उसको वहीं पर खड़ा कर दिया और कंबल लेने के लिए तुम घर उसके चल दिए। साहब दिमाग हमारा ही क्यों नहीं, हवलदार हो? मार खोले पल्ला खोले रहा, यानी दरवाजा खुला हुआ था, दरवाजा खोले है, मार रखे खेल दिए, मार रखे खेल दिए साहेब। तो हम कहा करे बेहरेवा ला तोरे मने पकड़े है कम्बर दे दे उजड़ा था। तो कहे यानी उससे बोला, हाथ कहे चले उस साहब ले लूं चले जाओ। क्या चीज इसको बात साहब, कम्बर साहब कम्बर, यानी उसने कहा कम्बर उतार लो। हां साहब। और तुमने क्या किया? अब साहब हम जैसे घर के अंदर फिला साहब, तो कहे पिछले कोठरी टांगा उतार लियो, जैसे कोठरी के अंदर पिले साहब, वो पीछे दरवाजा बंद कर लिए, और बंद कर लिए साहब, माल लड़वान माल लड़वान माल लड़वान साहब, यानी तुझे मारना शुरू कर दिया साहब। बहुत मारी लौट गए साहब, वो जुआरी वो भाग दो साहब, यानी वो वहां से घर से मार खड़ कर आया, और यहाँ मुलजिम भी नहीं होगा साहब, भाग दो साहब। अबे उल्लू के पट्टे पहले ये बता, अगर किसी मुलजिम को अगर छुट्टा ऐसे छोड़ देगा तो वहां पर बैठ कर तेरा इंतजार करेगा साहब, अरे भाग जाएगा बदतमीज कहीं का। भाग दो साहब। ऐसा ही होता है, अगर आइंदा ऐसी गलती की तो सोच लो कि मुझसे बुरा कर नहीं होगा। अब तुम साइड में खड़े हो जाओ, मैं कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। आदेश सिंह तुम अच्छी तरीके जानते हो कि पिछले 15 सालों से इस इलाके में डाकू सूरज सिंह का बहुत ही आतंक बचा हुआ है। हेलो चौकीदार, उनका नाम बहुत पढ़ के हैं, संग संग देखे 10 रुपया हमारे लिए दिए। 10 रुपया दिए? कितने पैसे दिए? इतने लठ बारूगा की समझ में आ जाएगा ना लायक का। अब दोबारा दिखाई नहीं पड़ना यहाँ पर। अजय सिंह कहिए सर, पिछले 15 सालों से यहाँ की पुलिस उसका पीछा कर रही, लेकिन वो हरा ज्यादा सुधा सिंह इतना चलाखी कि हम लोगों के हाथ आता नहीं है, और यहाँ की जनता बहुत ही परेशान हो चुकी है, और ऊपर से आदेश है क्या करे, एक हफ्ते के अंदर डाकू सूरज सिंह अगर अरेस्ट नहीं हुआ तो पूरा थाना सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो ये बताओ इस थाने की पुलिस क्या कर रही है? क्या बताओ क्यों नहीं गिरफ्तार हुआ कि हमारे थाना शासन कमजोर है या प्रशासन? आखिर क्या कमी है जो आज तक सूरज सिंह क्यों नहीं गिरफ्तार हुआ? ना तो यहाँ का शासन कमजोर है ना प्रशासन कमजोर है, हम लोग जब सूरज सिंह को किसी न किसी तरीके से अरेस्ट करते हैं तो कहीं से एमपी का फोन आता है, कहीं से एमएलए का फोन आता है, मजबूर होकर हमें उन्हें छोड़ना पड़ जाता है। यानी आप लोग को मजबूर होकर छोड़ना पड़ता है, यानी आप लोगों पर एक राजनीतिक दबाव आ जाता है,
और उस राजनीतिक दबाव की वजह से तुम्हें उस डाकू सूरज सिंह को छोड़ना पड़ जाता है। लेकिन राजा सिंह तुम्हें भी मालूम होना चाहिए कि ऊपर से आदेश है कि अगर एक हफ्ते के अंदर डाकू सूरज सिंह अरेस्ट नहीं हुआ तो पूरा थाना सस्पेंड कर दिया जाएगा। आप तो इस इलाके में ज्यादा दिनों से तैनात हो, तो ये बताओ उसके उसके बारे में तुम्हें जो कुछ मालूम है हमें साफ साफ बताओ। सर आप तशरीफ रखें, मैं बतला रहा हूँ। क्यों नहीं? तो सूरज सिंह मौजूद है शरीर से जिले दरमियान। सूरज सिंह मौजूद है सर इसी जिले दरमियान, और फिर भी चलता है नहीं सर उसका पता और निशान। उसका पता निशान चालाक बसर है और रहती रहती झाली झाली में करता था अपनी। इंस्पेक्टर सिंह यही होना चाहिए, उम्मीद हम लोगों की है, यही उम्मीद है, हम लोग आरेस्ट जरूर करेंगे। और घेर लूंगा मैं जाके चप्पल अभी घेर लूंगा मैं जाके। और घेर लूंगा मैं जाके चप्पल अभी देखूंगा डाकू सूरज कितना तूफान है। ठंडी सवालों के हाथों से बच के जा पाए नहीं, मौत का सरकार तुम्हारे हाथ सरकार। अजय सिंह सुनाए इसने क्या कहा, पिछले 15 सालों से आज तक उसे गिरफ्तार नहीं कर सका, आज घेर करिए पकड़ लेगा। अरे बकवास, आधा बकवास की बातें मत कर। अगर हम लोग इसी प्रकार से अगर उसके पीछे दौड़ते रहे तो हराम ज्यादा वो हमारे हाथ आने वाला नहीं। इसलिए हमारे दिमाग में एक आइडिया है। कौन सा आइडिया है? आइडिया ये है कि मैं किसी जासूस को उस जंगल भेजूं
और अब पता होगा को हरा ज्यादा अपने संतोष सर की से बात करता है और कहा जाने का प्लान बताता है। क्यों नेचर तो ये बताओ कि थाने में सबसे चतुर और चालाक सिपाही कौन सा जो एक काम कर सकता है। सर हवलदार अपना बदतमीज तो है लेकिन चतुर चालाक नंबर एक का है। क्या नहीं एक काम हवलदार कर सकता है? क्यों नहीं सर बुला हवलदार को। हवलदार अबे कान ये ना पकड़ो ऐसे बोला जाता है। ज्यादा अंत से बात के ना डंडा तक रहना हालांकि बता दूंगा बदतमीज कहता। सुन मेरी बात का कान खोल खोल तुझे इसी वक्त चंबल घाटी जाना होगा और पता लगा कि हरा ज्यादा सूरज सिंह अपने साथियों के साथ किसी से बात करता है और कहां जाने का प्लान रहता है। मारते है तमाचा मुंह लाल हो जाता है और साहब पा जाते है और मारे थे मार के जमीन में गाड़ लिए थे। अबे जमीन के अंदर गाड़ देते है लेकिन ये काम तुझे करने के लिए बाहर नहीं भेजा। तुझे केवल जासूसी की तौर पे जाना है। पता लगा जो हरा ज्यादा अपने संतोष संस्कृति से बात करता है और कहा जाने का प्लान बनाता है। अगर इसकी पता तू लगा कर लाएगा अगर सूरज सिंह गणेश हो गया तो मैं तेरा प्रमोशन कर दूंगा। प्रमोशन पोस्टमास्टर इसका साले का पोस्टमास्टर होना चाहिए। अबे हवलदार के बच्चे पोस्टमास्टर ज्यादा किसका होता है? क्या हुआ था? अरे जिस जो जहर खा ले फांसी लगा ले एक्सीडेंट हो जाए आग लगा ले जहर खा ले उसका होता पोस्टमास्टर। प्रमोशन का मतलब ये होता है हमारी जैसी वर्दी तेरे कंधे पे हो जाएगी। क्यों नहीं तो साहब हमारी जैसी वर्दी तेरे कंधों पे आ जाएगी। अच्छा हमारे जैसा ओहदा तेरा बढ़ जाएगा। हौदा भर जाएगी। हौदा नहीं वो ओहदा साले बोलते कि हौदा बता रहा है ना लोग कहता क्या इसी वक्त तू जा तनख्वाह कितनी बढ़ गई हमारे कम से कम 35-40 हजार। 35-40 हजार में कहा हुई साहब कितना हो साहब कम से कम तनख्वाह हमारे हिसाब से बढ़ो साहब कितनी होनी चाहिए साहब कम से कम 50 रुपए। 50 हजार 50 रुपए 50 रुपया साले 50 रुपए दिन भरे का मसाला भी नहीं होगा साहेब। 40-50 हजार में तो हमारे दिमू नहीं फैले थे और 50 रुपए हमारा मुँह होगा बड़ा फैले थे 50 रुपए यानी मुंह फैला कर नापता है पैसे की औकात। औकात है मैं समझ गया लेकिन ये काम करके आज जितना कहेगा मैं उतना दे दूंगा। ओ साहेब तुम डाकू की बात कर रहे हो साहेब कल रात मरा है साहेब हमारा दौरा दौरा। हाँ साहेब कहाँ पे? कल रात मरा है माँ दौरा वटगंज साहेब बघौरा और हुआ बरत रहे दू ठे कौरा और साहेब बैठ रहे चार ठे लड़बौरा। क्या चार ठे लड़बौरा साहेब लड़बौर? हाँ साहेब ये कौन से है? हम कहा कौले उबाले साहेब हमारे मन में हमने सोचा हम कहा कौले उबाले आज डाकू ज्वाला आज डाकू ज्वाला बस साहेब निकाल के मार देने थे हर ज्वाला। फिर क्या हुआ? बस साहेब भागत भागत गए और थोड़ी दूर पर खुदा रहे थे नाला साहेब नाला साहेब वो वहीं गिर गए। भाई एक कुमार रहे साहेब गोर एक रहे काला एक गोरा एक काला एक काला और जाते यार साहेब दूधी मांस लगावा साहेब एक निकरा हमारा फूफा एक निकरा साला। यानी तेरा फूफा और साला? हाँ साहेब। क्या रिश्तेदार तेरे साले चोर है क्या? यह बात साहेब हमें नहीं समझ में नहीं आवत है। मैं साहेब पीछे से आ गए दिखने लाला कहीं नहीं निकाली हमारे वाला तो हम का हवलदार के साला
तूने ऐसा काम कर डाला और कर दिया थाने में हमारा मुंह काला। हाँ क्यों नहीं, बस साहब उनका लेके गए थाने बंद कहे बाहर से लगा दे भड़कवा ताला, ताला लगा दिया, ताला लगा दे साहब। हाँ क्यों नहीं, अपने कानून का फर्ज अदा किया। तब लाला खुश हो गए, 1000 रुपए हमका इनाम में दिए साहब, यानी इनाम में दिया। हाँ साहब, यानी ताला लगाने पर। हाँ साहब, लेकिन ये नहीं समझा कि मैंने अपना फर्ज पूरा किया है। हाँ साहब, तू वही फर्ज के लिए तू फौरन यहाँ से चला जा चंबल घाटी की ओर और सीधे रात मिश्रे खकवारी तुम लेकर जाओ जीप से, इसे चंबल के रेंज तक छोड़कर फौरन वापस आओ। इनका इनका साहब साथी भेज दियो, अकेले हमने जाओ। साथ देने मैं भेज रहा हूँ, मैं तुझे चंबल के बॉर्डर तक तुझे भेजवा रहा हूँ कि तुझे पैदल न जाना पड़े। जाओ हवलदार, तो अब चंबल घाटी की ओर चला गया। क्या नहीं सर, अब इसके आने का तब तक हम लोग इंतजार करते हैं। आइए